देख रहे हो ना, ये अच्छा लग रहा है आज इस अब। हाय गाइस, मैं हिंदी में बोलूँ, मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं 20 साल का हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और आई एम ए इंस्पायरिंग फ्री मैं एक एस्पायरिंग फिटनेस एथलीट हूँ और मेरा एम है कि मैं अपने आने वाले 2-3 सालों में एक अच्छी लेवल की स्टेज पर पहुँचना चाहता हूँ। मैं पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ, देख रहे हो ना अच्छा लग रहा है ना। तो इस मेहनत के पीछे की स्टोरी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको मेरी स्टोरी देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। सो वेलकम एवरी वन, ऑल अबाउट बिजनेस स्टोरीज में आपका वापस स्वागत है। जय हिंद। और मेरे साथ है गौरव चौधरी। तो जब मैं पहली बार मैंने गौरव को देखा तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था कि यंग लग रहा है लड़का, होगा 25-26 साल का होगा और काफ़ी साल से वर्कआउट कर रहा है, कुछ अच्छा जीतेगा। शेरू में भी था इस बार दिल्ली में, तो मैंने गौरव से पूछा कि उनकी एज क्या है और उन्होंने मुझे एक शॉक दिया। तो गौरव, आपकी एज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच भैया, मतलब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मेरी ये जो भैया ने बताया 25-24 उसके अराउंड होगी, नहीं है उसके अराउंड, मैं सिर्फ 20 साल का हूँ। और मतलब मैंने जो वर्कआउट स्टार्ट किया था बहुत पहले कर दिया था, एक मतलब मैं 8th क्लास में था जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। और अभी मैं 20 साल का हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ, मतलब एज ए ट्रेनर जॉब भी कर रहा हूँ और आगे मतलब इसी फील्ड में करना चाहता हूँ, तो उसमें। फैंटास्टिक गौरव। सो कैसी रही अब तक की जर्नी, बुलंदशहर से दिल्ली का सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताओ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि मतलब लोग सोचते हैं मैं दिल्ली से ही हूँ प्रॉपर, क्योंकि यहीं रहता हूँ, काफ़ी साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं 8th क्लास में था तो हमारे समर वैकेशन हो रखे थे, तो डैडी आए एक दिन और हम पास में जिम ही खुला था नया, मतलब उसको 2 या 3 दिन हुए थे, तो बोले कि तू सारे दिन कंप्यूटर पर लगा रहता है, गेम खेलता है, आँखें वाँखें ख़राब हो जाएंगी और जिम जा, थोड़ा छुट्टी है तो वर्कआउट करेगा तो सही फिट रहेगा। लेकिन मैं पहले स्पोर्ट्स में पहले से ही था, स्पोर्ट्स में मतलब पहले से इंटरेस्टेड था। जैसे क्या? रनिंग करना, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब स्कूल में खेलता था। तो छुट्टी थी तो घर पर तो कुछ नहीं था खेलने के लिए, तो वे बस कंप्यूटर पर लगे हुए हैं। तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ चलो बाहर थोड़ा एक्टिविटी करेगा, तो उन्होंने मेरी जिम ज्वाइन करा दी। मेरे पेरेंट्स ने जिम ज्वाइन करा दी, डैडी ने मेरी जिम ज्वाइन करा दी। एक्चुअली मेरे डैडी आर्मी से रिटायर्ड है, तो मतलब अच्छा। थोड़ा फिजिकली अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट करते हैं मेरे को उस लेवल के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने जिम ज्वाइन कर ली और मेरे को नहीं पता था एक्चुअली, मतलब ये तो पता था जिम होती क्या है, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे को उसमें कैसे करना है, क्या मशीनें कैसे इस्तेमाल करनी। तो मैं जिम के अंदर एंटर हुआ तो मैंने देखी वहाँ पे एक बंदा लेग प्रेस कर रहा था, तो मेरे को बस वो दिख गई ये कर रहा है, तो मैंने फर्स्ट वहीं पे मतलब लेग प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। मैं उस मशीन को रोज करता और मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ कि मेरी लेग जो है ना, जेनेटिकल बोल रहे हो या फिर मैं गेम में स्टार्टिंग में अच्छा था कि मेरा प्लस पॉइंट रहा हमेशा से, और जितना वेट मैं अपर बॉडी पे नहीं उठा पाता था उतना मतलब बहुत ज़्यादा वेट में लेग पे उठाना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे को रोज़ की मैं ट्रेन करूँ क्योंकि मेरे को उसमें इंप्रूवमेंट भी दिखती थी डे बाई डे, तो एक अच्छे लेवल पर मतलब मेरा ये पार्ट ग्रो होता चलेगा धीरे धीरे धीरे। तो लेग इज योर स्ट्रेंथ? हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर मतलब इनर थाई, क्वाड्स, क्वाड, हैमस्ट्रिंग, मतलब अलग से मतलब सबको इकट्ठा नहीं करता, अलग अलग तरीके से अलग अलग वेरिएशन से ट्रेन करता हूँ वीक में 3 बार। तो ऐसा बहुत होता है कि लड़का पहली बार जिम गया और उसको कुछ क्लू नहीं है, डरता भी है थोड़ा कि ये जो दूसरे लोग बॉडी बना रहे हैं चिल्ला चिल्ला के वर्कआउट कर रहे हैं, इनसे पूछूंगा तो थोड़ी बेइज्जती सी हो जाएगी, और वो डर के मारे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता जिम में। क्या करे ऐसा कोई लड़का जो तुम्हारी तरह पहली बार गया और देख देख के सीखने की कोशिश कर रहा है? पहली बार तो अगर आप पहली बार गए और आपको कुछ पता नहीं है तो मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो वहाँ पे ट्रेनर से उनसे पूछो, पूछ लो, क्योंकि अगर आप मशीनें अगर ऐसे, मैं तो वहाँ गया था वहाँ कोई ट्रेनर नहीं था, तो मैंने वो देख के कर लिया। अगर बाई चांस वो लेग प्रेस में वेट लगा रहा हूँ मेरे को क्या पता, और वो नहीं मेरे से लॉक लग पाता, इंजरी भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, मेरे को नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैंने उसको देखा करा। लेकिन अब तो आजकल हर जिम में ट्रेनर्स, मोस्टली ट्रेनर्स होते हैं हर जिम में,
तो मैं तो यही बोलूँगा कि मतलब अगर आप जिम में पहली बार जा रहे हो और आपको नई नॉलेज की मतलब कैसे क्या करना है, तो जो आपके ट्रेनर्स हैं उनसे पूछ लो। और कोई अगर आपको लग रहा है कि लड़का कर रहा है, अगर आपके फ्रेंड्स हैं मतलब उनसे शर्माना क्या, मतलब पूछ लो कि भैया मेरे को नहीं पता ये सब, तो कैसे करना है आप मेरे को बता दो। तो सो क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक टीनेजर के लिए या एक 19-20 साल के लड़के के लिए तुम्हारी तरह? पहले तो बेसिक एक्सरसाइज जो मतलब अगर टीनेजर है तो मतलब फिट ही रहना, क्योंकि टीनेजर का मतलब होता है कि वो बंदा फिट रहना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है कपड़े में, और जो अपने स्पोर्ट्स वगैरह स्कूल में खेलता है तो उसमें एक उसकी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाए उस लेवल के लिए, मतलब वो करता है जो भी एक्सरसाइज करता है। तो चिनअप्स हो गए, पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गई, ये ट्रेनिंग मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन आजकल वो ये है कि सब मतलब बाइक्स वगैरह ये सब ऐप्स वगैरह के पीछे पागल है, लेकिन जो आपकी एक्चुअली जो स्ट्रेंथ आती है वो आपके चिनअप्स हो गए, बार डिप्स हो गई, पुशअप्स हो गए, और मतलब बॉडी वेट एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइज, और आप वेट लेके कर लो, एक स्ट्रेंथ मतलब आपके स्पोर्ट्स में भी हेल्प करेगी और मतलब ओवरऑल बॉडी पे काम भी करेगी। तो अपना कुछ रूटीन के बारे में बताओ या अपनी डाइट के बारे में बताओ। ये बेसिकली उन लड़कों के लिए है जो कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग है और वो बहुत मोटिवेटेड हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा गाइडेंस नहीं है और फैमिली से परिवार से थोड़ा सपोर्ट भी कम मिलता है, आपको मिला लेकिन हर किसी को नहीं मिलता, तो उनके लिए क्या सजेशन है? मेरी डाइट का तो ऐसा है कि मैं मॉर्निंग में 4:30 उठता हूँ। एक्चुअली मेरी मदर जो है वो थोड़ी बीमार रहती हैं, तो और वो नॉनवेज मेरा जो भी खाना होता है चिकन वगैरह वो नहीं बनाती, तो मेरे को खुद से ही बनाना होता है। तो मैं अराउंड 4:30 उठ जाता हूँ और उसके बाद फर्स्ट सबसे पहले फ्रेश फ्रेश होकर अपना मतलब पूरा मील प्रिपेयर करता हूँ, दो मील प्रिपेयर करता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट लिया और दो मील प्रिपेयर कर लिए। फिर उसके बाद में मैं अराउंड 5:30 निकल जाता हूँ जिम के लिए, तो आधा घंटा मेरे को जाने में लगता है, तो 6 बजे मैं अपना जिम पहुँच जाता हूँ। वहाँ फिर मेरा 6 से 10 शिफ्ट होती है, तो उसमें अपना देखता हूँ क्लाइंट्स को, अपनी पर्सनल पीटी वगैरह वहीं पे करता हूँ। उसके बाद 10 से 11:30 तक मैं अपना वर्कआउट करता हूँ, फिर घर आता हूँ तो जो मील कैरी किया था वो बीच में ले लेता हूँ, फिर आके फिर दोबारा जो पोस्ट वर्कआउट मील है फिर वहाँ घर आके बनाता हूँ, फिर सोता हूँ 1-2 घंटे और फिर 3:30 बजे उठ जाता हूँ, फिर दोबारा से मील बनाता हूँ 2, फिर 4 बजे मैं निकल जाता हूँ जिम के लिए, फिर वहाँ मेरी 10 बजे तक शिफ्ट रहती है रात को। तो लेकिन उस 4 बजे से पहले जब मैं निकलता हूँ ना तो जाके मेरे को कार्डियो करना होता है, अपना भी करना है, अपना भी कार्डियो भी होता है, मॉर्निंग में अपना वेट ट्रेनिंग करता हूँ फिर कार्डियो करता हूँ। तो आजकल 20 साल वालों में भी ये बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भी जो 2 महीने में एब्स निकलवा देते हैं और 6 महीने में बॉडी बिल्डर बना देते हैं, वो क्या है, ये चल क्या रहा है आजकल? पहली बात तो कि अगर आप इतना जल्दी करोगे तो जल्दी टिक भी नहीं पाओगे, कि आपको अपना बेसिक से लेना होगा। मैंने कम से कम 4 साल ऐसे मतलब बेसिक चलाऊँ मैं, मतलब ना मेरे पास प्रोटीन था, बस घर की डाइट थी और मेरे को डाइट के बारे में पता ही नहीं था कि डाइट होती है। मैं खाता था, मतलब डाइट फॉलो करता था कि हाँ डे खा लिए, कभी खा लिए, वीक में खा लिए, चिकन कभी खा लिया, नट्स वगैरह खा लिए, प्रोटीन वोटीन तो मेरे को पता ही नहीं था, तो मतलब घर की डाइट से ही चल रहा, लेकिन प्रोग्रेस थी क्योंकि बेसिक चल रहा था, वर्कआउट अच्छा कर रहा था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चाहे 1% हो रिजल्ट आ रहा था, धीरे धीरे आ रहा था। ट्रेनर वहाँ पे मतलब बाद में ओनर आया जिम का, तो वो बोलता था उसने डब्बे वगैरह रखे हुए थे प्रोटीन वगैरह के कि भाई प्रोटीन ले लो ये ले, फोर्स कर रहा था। अब भाई मैं स्टूडेंट हूँ और ना मेरी पॉकेट अलाउ करेगी, और मैं घर बोलूँगा तो वैसे ही डैडी मना करेंगे क्योंकि इन सब चीज़ों को बोलेंगे कि अंडे खा ले, चिकन खा ले, बिल्कुल मना करेंगे, तो मैं नहीं है, नहीं कर सकता मैं। तो जो आजकल के हैं कि मतलब स्टेरॉइड वगैरह ये सब, मतलब सबसे पहले उनका मकसद यही होता है, जिम में आते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं नए नए कि भैया कॉलेज में जाना है, मतलब अभी 12th पास आउट हुई है, अभी जो आए थे मतलब बॉडी बनवा दो, मतलब बॉडी बनवा दो और मेरे को 2 या 3 महीने में रिजल्ट चाहिए, और कोई भी साइकिल आप जो भी बोलोगे फॉलो करें साइकिल, हाँ साइकिल के बारे में बोलते हैं। अब मैं उनको कैसे बोल दूँ कि आप साइकिल कर लो, अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, और आप नहीं है जो मतलब उम्र तो देखो, साइकिल चलाना है कोई उम्र है ना, तो मसल ग्रो मतलब पहले से है कि मसल मैच्योर भी नहीं है आपकी, और ऐसे कैसे मतलब साइकिल चल जाए। तो प्रोटीन वगैरह भी तो बेस सप्लीमेंटेशन, तो मतलब ये है कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो चलो कोई नहीं कर लेते हैं, लेकिन मेन आपकी डाइट वर्कआउट यही आता है। ओके, सो ये साइकिल चलाने का क्या चक्कर है और इस कम उम्र में साइकिल चलाने के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है? फ़ायदा तो कहीं नहीं है, क्या मुँह में साइकिल चलाना कोई फ़ायदा ही नहीं है। नुकसान ये है, बहुत सारे इंटरनल आपके मतलब जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको इफेक्ट करता है, ऑर्गन्स को जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं मतलब कि आपकी जो मतलब आप अपनी एज से ज़्यादा दिखने लगोगे, मतलब मैच्योर ज़्यादा दिखने लगोगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जो टीनेजर्स हैं जो नए हैं वो ना लें तो अच्छी है, क्योंकि ना तो आपको कोई कम्पीट करना, ना तो आपको मतलब कोई
एडवांस लेवल पे जाना है, आपको फिट दिखना है, कॉलेज गोइंग हो, तो कोई नहीं अपना अच्छा लेकिन भाई गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अच्छी बॉडी जरूरी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा कॉलेज में है और है भी 2-4 महीने ये हाथ में, एब्स निकलने हैं, मसल बनना है, तो कैसे? तो 4 दिन की चांदनी है, अब स्टेरॉइड लगा के कर लोगे जो भी कर लोगे, लेकिन आगे चल के फिर तो आपका नुकसान है, गर्लफ्रेंड थोड़ा ना आपके साथ रहेगी जिंदगी भर, मतलब वो तभी तक है जब तक आप अच्छे दिख रहे हो, जब आप ऐसा लगोगे ना कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, ना आपकी वो गर्लफ्रेंड खड़ी होगी अगर आपके मतलब कोई भी नुकसान होता है बॉडी के अंदर। और सबसे ज्यादा परेशान होंगे माँ बाप, भाई बहन वगैरह, सबसे ज्यादा नुकसान होंगे, मतलब वो उनको लगेगा कि मतलब क्या हो गया, और यही है टीनेजर्स मतलब बताते तो है नहीं, वो तो पीछे से मतलब आजकल सबकी पॉकेट मनी इतनी स्ट्रांग हो गई है तो मतलब कौन बताएगा कि हम स्टोरी ले रहे हैं। तो वो जो कंपटीशन जो था जो मैंने खेला था वो मेरे एग्जाम्स के बीच में ही था। कौन सी क्लास के? 11th के जो मेरे एग्जाम्स थे, फाइनल एग्जाम थे एनुअली, उनके बीच में था। उस मतलब मैं डंडा नहीं पड़ा घर से, डंडा नहीं पड़ा घर से कि नहीं, वो पढ़ाई पे ध्यान क्या कर रहा है, ताई जी के घर पे रह रहा था, मैं उनको बोल रहा था कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं कर दूंगा पेपर, पास हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को पता था कि मैं मतलब मेरा ना कहीं वो मन हट गया था कि मैं पढ़ाई करूं या ये सब करूं, क्योंकि एक पूरा फोकस वहीं पे आ गया था कि कंपटीशन है और उसके लिए तैयारी करनी है, फर्स्ट कंपटीशन है, अच्छा मतलब अच्छा दिखना है। और उसमें मैं फेल हो गया 11th क्लास में, तो मतलब घर वालों को बहुत ज़्यादा वो लगा कि इतने पैसे मतलब यहाँ से उसको दिल्ली भेजा कि अच्छा पढ़ेगा। एक्चुअली मैं NDE की कोचिंग भी कर रहा था, NDE की, आर्मी में भी जाना था, हाँ तो NDE की कोचिंग कर रहा था, उसमें भी पैसे लगे हुए थे, तो मैं 11th फेल हो गया। तो फिर डैडी ने बोला कि अब करना क्या है, मतलब 11th में एडमिशन हो गया, तो मैंने बोला कि नहीं मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, एक ही काम कर सकता हूँ, दोनों एक साथ नहीं कर सकता कि मैं पढ़ाई भी कर लूँ और अपना मतलब ये कैरी कर लूँ, और पढ़ाई मेरे से अब होगी नहीं क्योंकि मैं फेल हो चुका हूँ, पढ़ाई मेरे से होगी नहीं और मेरा फोकस इसी पे बना रहेगा, फिर मैं दोबारा से वही हरकतें करूँगा, तो मेरे को यही करने दीजिए और मेरे को मतलब बॉडी बिल्डिंग में ही अपना कैरियर बनाना जो भी है। तो एक साल तो मैंने पूरा ड्रॉप ले लिया, अभी प्रेजेंटली मैं 12th NIOS से कर रहा हूँ। तो कहते हैं ना कि अच्छी बॉडी मीन्स 70% डाइट एंड 30% जिम, क्या ये ट्रू है? हाँ जी बिल्कुल, कि 70 आप पहली बात तो ये है कि जब आप गाड़ी है अगर उसके अंदर फ्यूल नहीं डालोगे तो चलेगी नहीं, तो पहले तो आपकी आती है डाइट, आप डाइट करो फिर एक अच्छा वर्कआउट करो, तो डाइट तो मतलब ये है कि घर का खाना, डाइट का मतलब ये होता है घर का खाना होता है, और पूरा एक वो होता है कि प्रोटीन कार्ब्स और फैट कितना कितना लेना, कितना कितना लेना, एक पूरा एवरेज बनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग चलो, तो आप जल्दी जल्दी ग्रो भी करोगे और मतलब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। ओके ऑलराइट, आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही है अमित चौधरी, मिस्टर इंडिया अमित चौधरी, तो 8-time मिस्टर इंडिया है वो। तो मैं ऐसे 6th-7th class में था, तो मैंने उनके फेसबुक पे फ़ोटो देखे थे, फोटो देख रहा था, मैं देख के बोल रहा था मतलब यार ये कैसी फिजिक है और कितनी तगड़ी, उस टाइम पे मैं जिम भी नहीं आ रहा था, मतलब नॉर्मली बस फेसबुक पे मैंने देख लिया था उनको। जब आप 12-13 साल के थे? हाँ मैंने जब वो देख लिया था मैं कि यार ये ऐसी फिजिक में अचीव मतलब क्या चीज़ है यार, मतलब खो गया था उस चीज़ में अंदर मैं, फ़ोन में वॉलपेपर वगैरह ये सब लगा रहा, मैं अमित भैया की वॉलपेपर वगैरह लगा था, तो मैं यार ये कैसी फिजिक है। तो मैंने धीरे धीरे उनको मतलब पूरा फॉलो करता था उनको कैसे कैसे, उनसे बात भी फिर मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया था उनसे, तो मैं उनसे बातें करता था भैया ये सब वगैरह। और फिर वो मेरे को मिले थे जब मैं बॉडी पावर में गया था, तो दिल्ली में बॉडी पावर हुआ था लास्ट ईयर, वहाँ वो वसीम क्लासिक को जज करने आए थे, तो वहाँ वो मेरे को मिले थे, मतलब फर्स्ट टाइम मैं उनसे वहीं मिला था, मतलब क्योंकि मैं दिल्ली आ गया था वो वहाँ पे थे, तो मतलब मिल नहीं पाता था, चांसेस होते थे, मैं फ़ोन तो बोलता था भैया मैं आपके पास आऊँगा मिलने, लेकिन ऐसा होता था कि मिल नहीं पाता था, तो वहाँ पे मिला था, तो मतलब एक ऐसा लगा था कि मतलब कि मेरे को क्या मिल गया, मतलब मेंटली और मतलब कैसे मतलब उनको ही मतलब एक शुरू से ही देखता आया हूँ और उनको ही फॉलो करता है, उनका एटीट्यूड उनका सब कुछ फॉलो करा है धीरे धीरे। अच्छी बात है, सो उन्होंने हमेशा तुम्हें इंस्पायर किया है? हाँ मेरे को इंस्पायर करते हैं और उन्हीं की वजह से मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ, नहीं तो मैं बॉडी बिल्डिंग में नहीं आता, क्योंकि उनको देख के कि हाँ यार मैं भी ऐसी फिजिक को अचीव कर लूँगा, तो मैं उनके देखते देखते चला, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं कम्पीट करूँगा, बस मैं ये देख रहा था कि हाँ यार ऐसी फिजिक मैं अचीव करूँगा, और मतलब उनको देखता था जैसे वो देखते ना कि मतलब अपनी कोई अपने जो बच्चे होते हैं कार्टून्स वगैरह सुपर हीरो वगैरह फोटो देखते हैं, वो देख के फिर अपने माइंड में मतलब लॉजिकली एक स्टोरी बना लेते हैं, सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो मैं भी वो चीज़ सोचता था। तो उनकी एक गेस्ट पोजिंग की वीडियो थी वो भी देखता था कि यार पब्लिक मेरे लिए भी शोर ये सब कुछ मैं भी मतलब मेरे को मिल सकता है, तो बस उनको फॉलो करते करते मतलब धीरे 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 मतलब बॉडी बिल्डिंग में आ गया। तो यही बात तुमने थोड़ी देर पहले बोली थी कि अमित चौधरी की जर्नी
एक दो साल की नहीं है, वो सालों साल की है, दशक की है, दशक से भी ज़्यादा हो सकता है, दस साल से भी ज़्यादा की हो सकती है, और वो अपने करियर के पीक पे गए और आज भी फिट हैं, वो आज भी फिट है और वो दोबारा से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मतलब एक लाइफ टाइम गेम है, ये नहीं है कुछ सालों का गेम है। आपको अपनी बॉडी भी देखनी है, इंटरनल ऑर्गन्स भी देखने हैं, ये नहीं बस बाहर बाहर आप सुंदर दिख रहे हो तो मतलब कि आप तो जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म। और जो गर्लफ्रेंड अभी रिसेंटली मतलब देखते हो आप, पढ़ते हो कि स्टेरॉइड से मतलब ये इसी यंगस्टर की मतलब डेथ हो गई, ये होगी, तो वो ये मिसगाइड हुए हैं और कहीं ना कहीं ट्रेनर अपने फायदे के लिए उनको सामान बेच देते हैं गलत, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और एक और चीज़ ये भी है कि बॉडी बिल्डिंग में ना कोई लिमिट नहीं होती, तो अगर आपका डोला 14 का हो गया तो 15 का हो सकता है, 15 से 15.5, 16, 18, ये सब, देर इज़ नो लिमिट इन बॉडी बिल्डिंग। जैसे हम 11th के बाद 12th करते हैं, 12th के बाद स्कूल ख़त्म, बॉडी बिल्डिंग में कभी ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए वो एक एडिक्शन बन जाता है, राइट, कि ये मेरे वजन से मेरी लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। ईगो लिफ्टिंग वो आ जाता है, ईगो लिफ्टिंग वो आ जाता है ईगो लिफ्टिंग में, मतलब कि भैया ने जैसे बोला कि और कर रहे हैं और कर रहे हैं, मतलब ईगो या तो किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, मतलब कि या फिर उसने इतना वेट मार दिया, आप उसको देखो कि आपसे मतलब कितना सालों से वर्क मतलब कितने ज़्यादा सालों से वर्कआउट कर रहा है और कितना मैच्योर है आपसे, और उसकी स्ट्रेंथ देखो, मतलब ज़बरदस्ती आप लगे पड़े तो आपका भी मतलब मसल इंजरी भी होगी और ना वो ग्रो करोगे ना कोई इफेक्ट हो रहा उस मसल पर। तो एक अपने लिमिटेड अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मतलब वेट लगाओ और उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करो, ये नहीं कि मतलब किसी को देख के, यार आप दूसरे के लिए थोड़ा ना कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो उसके मतलब ऑब्वियसली है कि अपने लिए कर रहे हो तो मतलब अपने अकॉर्डिंग चलो, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी तो धीरे धीरे आप प्रोग्रेस भी करोगे वेट में। बिल्कुल। और गौरव, कोई लास्ट मैसेज हमारे सारे व्यूअर्स के लिए कुछ आप बताना चाहते हैं, उन्हें सजेस्ट करना चाहते हैं? सजेस्ट यही है कि आप मतलब पहली बात तो जो मिसगाइड होते हैं उन चीज़ों से बच के रहो, अपना नहीं तो अपनी फैमिली के बारे में सोचो कि आपके बाद में उनका क्या होगा अगर आपको कुछ हो जाता है। तो आप नॉर्मल अपना डाइट फॉलो करो, वर्कआउट करो और फिट रहो। और ये मतलब गर्लफ्रेंड के लिए अगर आप ये बॉडी वगैरह बना रहे हो तो भाई वो मत करो, क्योंकि पता है कि गर्लफ्रेंड तभी तक है जब तक आप अच्छे दिख रहे हो, गर्लफ्रेंड लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली नहीं है, और अगर उसको लाइफ टाइम रहना है तो कभी ये नहीं बोलेगी कि तू अच्छा ऐसा दिखेगा तब मैं तेरे साथ रहूँगी, अगर उसको लाइफ टाइम रहना है तो वो आपके साथ ऐसे भी रह सकती है। तो थैंक यू सो मच गौरव, ये बहुत सही बात बोली आपने और ट्रू भी है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ गौरव को जाके फॉलो कीजिए। गौरव फेसबुक पे तो है ही, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी पॉपुलर है। गौरव, आपका आईडी क्या है इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा @bgauravchaudhary। @bgauravchaudhary। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो प्लीज़ रिमेंबर टू गो एंड फॉलो गौरव ऑन हिज इंस्टाग्राम। और अच्छा है, होप करेंगे कि आप ऐसे ही ग्रो करते रहें, चमकते रहें और सेफ बॉडी बिल्डिंग हमेशा करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गौरव।